दिल्ली वाला बटर चिकन पिज्ज़ा, हाँ दिल्ली वाला बटर चिकन पास्ता। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मुकबंग। आज के मुकबंग के आइटम्स मैं ला रखा हूँ दिल्ली से अपने साथ, अभी 4.5 या 5 घंटा ट्रैवल करके, और इन आइटम्स के साथ साथ इनकी खुशबू ने भी मेरे साथ ट्रैवल करा हो। भाई इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी ना गाड़ी में, कम से कम 5 या 6 बार मैंने ऐसा सोचा कि कार मुकबंग कर लेता हूँ। और आज का मेन्यू थोड़ा सा छोटा है क्योंकि मैं वही आइटम्स ला पाया हूँ जो 4-5 घंटे गाड़ी में सर्वाइव कर जाते हैं। तो डायरेक्टली दिल्ली से देहरादून का सफर इन सभी आइटम्स ने तय किया है। सोहो किचन एंड को से है सबसे पहले मेरे पास बटर चिकन पिज्ज़ा। 10 इंचेस का पिज्ज़ा है ये, नेपोलिटन स्टाइल थिक क्रस्ट है इसका और क्लासिक सॉस में बना है ये। इसी के साथ है मेरे पास चिकन शवरमा रैप एंड आई बिलीव ये पीटा ब्रेड में बना है। सेंटर में है मेरे पास चिकन केसर है जो कि दिखने में बेहतरीन लग रहे हैं भाई, और साथ में है मेरे पास दिल्ली वाला बटर चिकन पास्ता। इसी के साथ मैंने रख रखा है 2 गार्लिक टोस्ट और 2 चॉकलेट कुकीज़। मेरा लास्ट ब्लॉग जितने भी लोगों ने देखा है उनको पता होगा ये लाजपत नगर की एक बेकरी से मैं लाया हूँ। इसी के साथ है मेरे पास फलाफल एंड पीटा। पीटा कुछ ब्रेड्स मैंने यहाँ रख रखे हैं और कुछ ब्रेड्स मैंने इस साइड रख रखे हैं। पीछे की साइड है मेरे पास अरेबिक सैलेड, ये क्लासिक सॉस लग रहा है। ताजिकी एक और तरह का सैलेड है, कुछ ये वाइट कलर की एक और चीज़, एक मेयो है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमस, जिसकी वजह से ये पीटा ब्रेड्स मैं लाया हूँ। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें फटाफट से करते हैं अपनी परंपरा से स्टार्ट। मैंने रीहीट करा इनको। ओ भाई चीज पुल, ये है भाई इनका बटर चिकन पिज्जा। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। लेट्स डाइव इनटू दिस। नोएडा से मैं 1 बजे निकला था, 5 बजे पहुंचा, नहाया धोया, टाइम हो चुका है 6:40 और यहाँ बाहर अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बाय द वे इसका क्रश देखो, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या। ये कैसा टेक्सचर है भाई इसका, दिख रहा है आपको? सार क्रीम है शायद। थोड़ा ज़्यादा हो गया। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मेरे शायद से किसी ने कमेंट कर रखा था कि चिकन सब्जी वगैरह पे बहुत मकबैंग्स हो गए, अब कुछ और जानवर का फूड भी खाओ। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम अपना इंडियन फूड है उसको छोड़ के भी बाकी चीज़ें ट्राई करूँ। इसका जो आउटर क्रस्ट है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, आई बिलीव जैसे ही ओवन से निकलता है उस टाइम ये थोड़ा बटरी बटरी टेस्ट करता होगा। मैं बोल रहा था कि ये बात एकदम सही है जिस किसी ने भी बोली कि यार एक ही तरह का फूड हो रहा है, बट ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादा ऑडियंस को वो मेन स्ट्रीम फूड ही पसंद आता है। जो इंडियन मेन कोर्स वाले फूड आइटम्स होते हैं उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं इंस्टेड अपना ये लेबनीज वगैरह के, समझ लो। बट इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि बात गलत है, बात एकदम सही है। तो मैं भी अब ठीक है ट्राई कर रहा हूँ कि बाकी आइटम्स भी अपन ट्राई करें। दिल्ली वाला बटर चिकन पिज्ज़ा, हाँ दिल्ली वाला बटर चिकन पास्ता। हल्का सा हिंट है बटर चिकन का।
चिकन शवरमा ही डालते हैं ये भाई। चिकन शवरमा एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये 180 का है। इम्पॉर्टेंट बात ये, इस मेन्यू के लिए ना मैंने ये सोचा था कि देहरादून के फॉक्स ट्रॉट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका सेम मेन्यू था। पीटा ब्रेड, बट यहाँ आके जब मैंने ये आइटम्स अनबॉक्स करे तो मुझे लगा काफ़ी ठीक ठाक आइटम्स हैं, और अगर सिमिलर आइटम्स मैं एक और रेस्टोरेंट के मंगा दूँ तो चॉपिंग बोर्ड में जगह भी नहीं होगी। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड करा कि अपना एक ही जगह का आज करते हैं, फलाफल रखते हैं बीच में। लुक एट दिस मिनी बर्गर, अपना फलाफल, पीटा और हमस। लेट्स सी हाउ इट इज़। प्राइस की बात की जाए तो फॉक्स ट्रॉट से सस्ता है थोड़ा। जरा ताजे की भी इनका ट्राई करके देख लेते हैं, इस वाली के ऊपर डालते हैं। फलाफल थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, मुझे ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस बर्गर। तो भाई इसमें है अपना फलाफल, पीटा ब्रेड, ताजे की, अपना कोरियन सैमयंग सॉस और हमस। लेट्स सी हाउ इट इज़। एक बाइट में और सही बात बताऊँ तो पहले भानुभा बोलते थे कि यार हमस पीटा खाना, हमस पीटा खाना। कभी इस कलर के होते हैं पीटा ब्रेड और चने का बनता है ये हमस, और इन्हें देख के बाकी का तो पता नहीं, बट मेरा कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि इनको खाऊं मैं, क्योंकि अपन लोग तो पहले आंखों से खाते हैं, अगर अच्छा लग रहा हो तो ही खाते हैं। तो अभी तक आप में से जिस किसी ने भी ट्राई नहीं किया हमस पीटा, तो उनको भी ये देख के ऐसे लग रहा होगा कि यार क्या ही टेस्ट आ रहा होगा, बट किसी ढंग की जगह का ट्राई करके देखना। ये मुझे वो लग रहा है तबूला जो भी था वो सैलेड। फलाफल वेज होता है और ये देखो पीटा ब्रेड के भी लेयर्स निकल गए, इतनी सी चीज़ भी उन्होंने लेयर्स वाली बना रखी है। नाइस फाइनल पीटा। बहुत ज़्यादा ड्राइवर है, अगर मैं अभी आपको मुंह दिखा पाता हूँ मैं आपको दिखा दूँ, सूख चुका ऐसा लग रहा पाउडर बन गया इसके अंदर। चिकन टिक्का केसडिया ट्राई करते हैं थोड़ा, आई होप ये बढ़िया हो। फीलिंग ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कुछ बढ़िया नहीं है। मैंने इसको खोला है सिर्फ और सिर्फ इसमें सैमयंग सॉस डालने के लिए, क्योंकि भाई ये चीज़ हर एक आइटम का टेस्ट एनहांस कर सकती है भाई।
केसरिया मैक्सिकन होता है, हमस पिटा अपना लेबनीज है, पिज्ज़ा अपना इटालियन है। तो अलग अलग प्रांत के क्यूजीन हैं आज के वीडियो में। इनके सारे आइटम मेरे को तारीफ के काबिल लगे, बट पास्ता नहीं। पास्ता ऐसा लग रहा है कि पास्ता बनाया और ज़बरदस्ती उसमें चिकन डाल दिया। आई एम सॉरी बट ये बाकी चीज़ों का टेस्ट खराब कर रहा है। लाजपत नगर में गोल्डन फिएस्टा नाम से है बेकरी, वहाँ से हम ये आइटम्स लाए हैं। मैं और भानु भाई गए थे, व्लॉग मैं यहाँ के आइड बटन पे डाल दूँगा, देखना ज़रूर, बढ़िया व्लॉग है। पिज़्ज़ा बढ़िया हो रहा है। ये भाई इनका आउटर क्रस्ट जो एकदम सूख चुका है, खाना नहीं निगलना पड़ रहा है उसे। और इस चीज़ में पूरी पूरी मतलब मेरी गलती है कि मैं इतने घंटे बाद इसे खा रहा हूँ, ये ओवन से बाहर आते ही कंज्यूम कर जाए, बहुत बेहतरीन होगा। अभी बहुत बेहतरीन हो रहा है तो फ्रेश फ्रेश तो हाँ। ये जो भी बटर चिकन का आइटम इन्होंने इसके ऊपर डाल रखा है, ये पिज़्ज़ा के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, पास्ता के साथ नहीं हो रहा है। दोनों सेम चीज़ हैं, टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट पास्ता के साथ वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। स्टफिंग बढ़िया कर रखी है भाई केसडी में। मैं सोच रहा हूँ दोनों में से पहले क्या खाऊँ, दोनों में से बेटर कौन सा होगा। 7:30 होने वाला है बट कंस्ट्रक्शन ये नहीं रुकेगा। इतनी खूबसूरती से ब्लेंड हो जा रहा है ना इसमें पिज्जा में। ऐसा कर देता भाई ये सॉस फाइनल आइटम। ये बेस्ट हुआ आज थोड़ा सा हमस थोड़ा सा ताजगी।
बढ़िया। आज के वीडियो में पास्ता मुझे थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ मनी लगा, बाकी सभी आइटम सही थे। जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था वो ये था कि सोहो किचन को ट्राई करने के बाद क्या मैं फॉक्स ट्रॉट को रिप्लेस कर सकता हूँ इसके साथ, जिसका टू द पॉइंट आंसर है नहीं। क्योंकि फॉक्स ट्रॉट मुझे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, उनकी पैकेजिंग के लिए, उनकी प्रेजेंटेशन के लिए पसंद है। पहले ये खाते हैं चोको चिप। आज का खाना भाई बहुत बढ़िया था, बट फॉक्स ट्रॉट के लेवल का नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, उनके हर एक आइटम का ना एक अलग टेस्ट होता है, जो मतलब आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है उस पर्टिकुलर चीज़ का, और आपको लगता है कि यार जो मैंने इसका प्राइस पे किया है ना वो सही है। बट हाँ, मेन मुद्दा यह है कि मैंने फॉक्स ट्रॉट खा रखा है, मेरा उसके लिए एक माइंड सेट बन रखा है, तो मैं इसे उससे कंपेयर कर रहा हूँ। बट अगर अकेले इसकी बात की जाए तो भाई आपको मजा आ जाएगा। बाकी यार आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आई जस्ट होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।